हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूँ शुभी। तो आज मुझे फिर चॉकलेट केक ही बनाना है, लेकिन उसमें चॉकलेट की डेकोरेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब डिमांड था कि सिर्फ चॉकलेट का ही डेकोरेशन होना चाहिए और कुछ भी नहीं, तो वैसे ही मैंने बनाया। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए केक मैंने बेक करके रख लिया है। एक कप प्रीमिक्स से बनाया है क्योंकि एक पौंड का केक है, और इसकी ऊपर की जो मोटी लेयर है वो निकाली है मैंने, मतलब मोटी निकाल ली है थोड़ी सी, और इसको चार लेयर में काट लिया है क्योंकि केक में मुझे कुछ थोड़ी हाइट चाहिए थी, इसलिए मैंने चार लेयर में काटा है, और नहीं तो तीन लेयर में भी काटने से हो जाएगा। केक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि थोड़ी सी हाइट चाहिए। तो ये मेरा केक जो है कट गया है, चारों लेयर कट गई है मेरी, और थोड़ी सी क्रीम मैंने अलग कर ली है पहले, और इसमें चॉकलेट गनाश मिलाया है। तो चॉकलेट क्रीम मेरी रेडी हो गई है। अब इसी क्रीम से हम इस केक की लेयरिंग करेंगे। बोर्ड पर मैंने पहले थोड़ी सी क्रीम लगाई है, पहली लेयर रखी है। अब इसकी चीनी और पानी से मैंने सोकिंग की है इसकी, आप गनाश और पानी से भी कर सकते हैं। और पहली लेयर लगाई है क्रीम की, और उसके बाद मैं इसके ऊपर गनाश डालूंगी अच्छे अमाउंट में, क्योंकि केक में बहुत अच्छा टेस्ट अगर चाहिए तो गनाश अच्छे से लगाना होगा। और साथ के साथ हम इसकी क्रम कोटिंग भी करते चलेंगे ताकि हमारा केक जो है बिल्कुल एक लेवल में रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो बिल्कुल भी। गनाश के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चॉको चिप भी डालूंगी, इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है केक में। और इसी तरह से मैं अपने केक की लेयरिंग करती चलूंगी और साथ में साइड से भी क्रम कोटिंग करती चलूंगी। ऐसा करना टॉल केक में बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो केक आपका टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो इस तरह से मैंने अपनी केक की चारों लेयर को सेट कर लिया है, और अब टॉप लेयर पर क्रीम लगा रही हूँ, और इसी क्रीम से मैं इसकी क्रम कोटिंग भी कर लूँगी। और ये सारी जो इतनी तैयारी, मुझे सुबह सुबह केक देना था, तो जब भी मुझे सुबह केक देना होता है तो मैं केक को की क्रम कोटिंग और फ्रॉस्टिंग करके फ्रिज में रख देती हूँ। आप कवर करके रख दीजिए तो कभी भी आपकी क्रीम ड्राई नहीं होगी, और क्रीम की कंसिस्टेंसी जो है सॉफ्ट रखिएगा तो भी ड्राई नहीं होगी। तो इतना करके मैं रख देती हूँ, फिर सुबह सवेर उठ करके फिर सारे चीज़ को असेंबल कर लेती हूँ। तो मैं लेयरिंग की क्रीम हमेशा अलग रखती हूँ, क्रम कोट तक की अलग बनाती हूँ, और फिर फाइनल फ्रॉस्टिंग जब करनी होती है तो उसके लिए थोड़ी सी क्रीम अलग बनाती हूँ, क्योंकि फिर क्रीम में क्रम्स वगैरह आ जाता है केक का, तो क्रीम ख़राब हो जाती, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती केक में। तो थोड़ी सी क्रीम मैंने बना ली है, अब उससे मैं इसकी आइसिंग कर रही हूँ फाइनल। तो पहले नीचे की तरफ से हम क्रीम लगाएंगे, या तो आप पाइपिंग बैग में भर के क्रीम लगा लीजिए, उससे भी बहुत आसानी से इजीली काम हो जाता है, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको सहूलत हो वैसे कीजिए। मैं दोनों तरह से कर लेती हूँ, कभी पाइपिंग बैग में डाल के क्रीम को कर लेती हूँ, कभी ऐसे कर लेती हूँ। मैंने अच्छे से क्रीम इसके ऊपर लगा दी। अब केक को मले करके मैं इसको एक टेक्सचर दे दूंगी, क्योंकि गनाश तो मुझे केक को कवर करना है, तो टेक्सचर रहता है साइड में तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये हो गया मेरा, ऊपर में जितना एक्स्ट्रा क्रीम है इसको भी हटा लेना है। तो इसके लिए एक गीला कपड़ा या टिश्यू पेपर को गीला करके रखिएगा तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। अब बोर्ड को क्लीन करके मैं फ्रिज में रख दूंगी इसको। हाँ, फ्रिज में रखने से पहले बोर्ड ज़रूर क्लीन कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत परेशानी आती है। ये मेरा रेडी हो गया, उसको फ्रिज में रख दिया। अब मुझे बनाना है चॉकलेट की गार्निशिंग। बहुत सारी गार्निशिंग बनानी थी क्योंकि चॉकलेट ही चॉकलेट चाहिए था जिनका केक था उनको। तो एक उस पर केक्सिकल भी बना हुआ था, तो उसके लिए मैंने ये जो ऊपर वाली केक की लेयर निकाली थी उसको चॉकलेट गनाश में मिक्स करके रख लिया है, और ये चॉकलेट मेल्ट कर लिया था मैंने डबल बॉयलिंग मेथड से। उसको एक पाइपिंग बैग में फिल कर लेना सारे चॉकलेट को। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन पाइपिंग बैग से डालिएगा तो बहुत अच्छे से नीटली आपका काम हो जाएगा, क्योंकि चॉकलेट का काम बहुत मेसी होता है। अब पाइपिंग बैग में चॉकलेट भरने के बाद पीछे से अच्छे से इसको टाई कर दिया है ताकि पीछे की तरफ से चॉकलेट निकले ना। तो इस तरह से बना लिया मैंने। अब आगे से छोटा सा कट लगाएंगे, और पहले केक्सिकल बनाना है, एक ही बनाना है, तो एक लेयर चॉकलेट की हम उस पर लगाएंगे। तो अच्छी मोटी लेयर लगाएंगे, बहुत पतली भी नहीं, बहुत पतली लगाइएगा तो वो टूट जाएगा, तो थोड़ी सी मोटी लेयर लगानी है, और इसको सेट होने के लिए रख देना है। अच्छे से इसको घुमा घुमा करके चारों तरफ चॉकलेट को स्प्रेड कर लीजिए।
क्योंकि अभी मेल्टेड है तो वो एक जगह निकल आ जाएगी चॉकलेट, तो थोड़ा सा जैसे ठंडा हो तो थोड़ा सा उसको घुमा दीजिए ताकि चॉकलेट हर जगह अच्छे से पहुँच जाए। तो क्लाइंट ने जो पिक्चर भेजी थी मुझे उसमें बहुत सारा चॉकलेट लगा हुआ था केक के ऊपर, तो उसी हिसाब से मैंने देख के जो जिस तरह की गार्निशिंग लगी हुई थी मैंने वो सब बना लिया। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाया है, पतला पतला ही चॉकलेट स्प्रेड किया, क्योंकि फिर वेट भी देखना पड़ता है कि केक का वेट बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए, तो उस हिसाब से तो हर चीज़ को मैनेज करते हुए काम करना पड़ता है, तब भी चॉकलेट केक का वेट जो है थोड़ा बहुत ऊपर चला ही जाता है, कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता है, हमेशा ज़्यादा जाता है। अभी एक मुझे चॉकलेट का हार्ट बनाना था, तो मैंने ये जो स्क्रेपर सॉफ्ट वाला आता है उसको ले लिया, उसके ऊपर पाइपिंग बैग से ही हार्ट बनाया। तो एक तो मेरा बिगड़ गया, अच्छा नहीं बना, मतलब शेप सही नहीं आया, तो फिर मैंने दूसरा बनाया तो दूसरा बहुत अच्छा बन गया था। तो ये वाला अच्छा नहीं बना तो फिर मैंने दूसरा बनाया, तो ये बहुत अच्छा सा बन गया था। तो ऐसे ही ध्यान से देख करके बनाना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ लगा हुआ है, तो वो ही बनाना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते तो हैं कि एग्जैक्ट बना करके दीजिए, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं होता है, क्योंकि कभी भी दो केक एक जैसा नहीं बन सकता है। अपना खुद का भी केक बनाइएगा, अपनी ही डिज़ाइन दो एक जैसी नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ फ़र्क हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि वैसे ही बने, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क हो ही जाता है। अब जो मुझे नाम लिखना था ना, तो उसको भी मैंने चॉकलेट से ही लिखा था, फॉन्डेंट का इस्तेमाल नहीं किया, पेन का भी नहीं किया, चॉकलेट से ही लिखा था। तो बिल्कुल चॉकलेट से लोडेड केक बना था मेरा। तो सारे गार्निशिंग को मैंने बना लिया है, अब ये इसका जो है नीचे वाला लेयर जो केक सिकर का वो सेट हो गया है। सारे को 5-5 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया, तो अच्छे से सेट हो गया। अब ये जो मैंने केक को गनाश के साथ मिक्स करके रखा था उसको यहाँ पे फिल करना है, तो अच्छे से फिल करना है, फैला के बराबर से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो नीचे से टूट जाएगा, जो नीचे वाली लेयर है चॉकलेट की टूट जाएगी। हल्के हाथ से इसको स्प्रेड कर देना है पूरे में बराबर से, और बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है, तो इतना भरना है कि उस कैविटी के अंदर ही रहे, बाहर नहीं आए। तो वैसे ही मैंने इसको फिल कर दिया है, इसके अंदर आप चोको चिप भी डाल सकते हैं या किसी और फ्लेवर का भी केक डाल सकते हैं, जैसा पसंद हो वैसे ही काम करना चाहिए, तो मुझे चॉकलेट का ही काम करना था। अब यहाँ हम इसी स्टेज पर हम इस पर इसमें स्टिक लगा देंगे, तो ये आइसक्रीम स्टिक जो आती है वही लगाना है। तो नीचे से आप इसको डालिएगा, वहाँ पर बना रहता है होल एक, उसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर लगाइएगा, अंदर चला जाएगा वो। अब ऊपर से जितना कवर करना है इसको चॉकलेट से ही, तो बस मैंने ऐसे ही चॉकलेट लगा दिया ऊपर से, कोने में अच्छे से देख के लगाना है, कहीं से छूटे नहीं, छूटेगा तो फिर अंदर से केक दिखने लगेगा। बिल्कुल प्रॉपर इसको कवर करना है, कहीं भी गैप नहीं छूटना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको आप हिला दीजिएगा तो एक बराबर हो जाएगा। अब इसको भी सेट करने के लिए रख देंगे, तो कहीं पर मुझे गैप दिख रहा है तो वहाँ पर मैंने फिर से चॉकलेट लगाया है। अब इसको मैं सेट होने के लिए रख दूंगी, तो इस तरह से मेरा केक सिकल और जितना भी गार्निशिंग मैंने बनाया सब रेडी हो गया है। अब धीरे धीरे सबको डीमोल्ड कर लेते हैं, तो देखिए हार्ट कितना प्यारा निकला है ना। तो ऐसे ही मैंने सारे गार्निशिंग को डीमोल्ड करके इसको अच्छे से पैक करके रख दिया, क्योंकि इसको असेंबल मुझे सुबह करना था। तो ये सारे चॉकलेट्स को निकालना बहुत ईजी होता है, थोड़ा सा मोल्ड को आप स्ट्रेच कीजिए और निकाल लीजिए, कितना शाइनी बना है। और ये जो बड़ी हुई वाली चॉकलेट है इसको मैंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं लगाया था, बहुत पतला सा ही लेयर लगाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, बहुत हेवी बन जाता है। तो ये तो अच्छे से निकल गया, लेकिन ये जो बड़ा वाला है ये टूट गया था मेरा, तो इसको मैंने आधा तो केक के ऊपर लगाया, आधा उसको कहीं कहीं डेकोरेशन में यूज़ कर लिया था।
बिल्कुल पतला है देखिए। तो ये सारी चॉकलेट्स को मैंने अच्छे से पैक करके रख दिया था, क्योंकि ये अभी तो लगाना नहीं था, मुझे सुबह लगाना था। तो अच्छे से इसको रखिए, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही रखिए और ये आराम से रहेगा, बहुत दिन तक जैसा है वैसे ही रहेगा। तो शाइनी आपका चॉकलेट तभी बनेगा जब आप इसको अच्छे से मेल्ट कीजिएगा। हमेशा डबल बॉयलर में ही मेल्ट कीजिए, माइक्रोवेव में भी मेल्ट करते हैं लोग, लेकिन मेरा गड़बड़ा जाता है माइक्रोवेव में, तो मैं हमेशा डबल बॉयलर पर मेल्ट करती हूँ और बहुत अच्छे से हो जाता है। और अच्छे से मेल्ट होगा तो बहुत अच्छा आपका जो जितना भी गार्निशिंग है बहुत अच्छी बनेगी। अब बारी है केक सिकल को डीमोल्ड करने की। तो बस इसको भी बहुत आराम से आप पीछे की तरफ खींचिएगा मोल्ड को, तो निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इधर से आप ये जो स्टिक है उसको बाहर की तरफ धकेलना है, प्रेशर कहीं पर भी नहीं लगाना है, नहीं तो स्टिक बाहर निकल आएगा। अब एक्स्ट्रा चॉकलेट जो साइड में दिख रही है उसको हम हाथ से हटा लेंगे। तो सारे गार्निशिंग्स ऐसे ही करना है, एक्स्ट्रा जो दिखे चॉकलेट उसको हाथ से हटा लेना है। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा सा डेकोरेशन भी करना है, तो ये चॉकलेट ही से हम इस पर इस तरह से आड़ी आड़ी लाइन बनाएंगे। आप वाइट चॉकलेट से भी बना सकते हैं, मुझे थोड़ा सा वाइट चॉकलेट मेल्ट करना पड़ता तो मैंने वो नहीं किया, इसी से बना दिया है। इसके ऊपर अब सिल्वर पर्ल डालेंगे, स्प्रिंकल जो छोटा वाला आता है वो। तो ये जो अभी मेल्टेड चॉकलेट है उस पर अच्छे से स्टिक हो जाएगा। आप यहाँ पर मल्टी कलर वाला भी स्प्रिंकल डाल सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मुझे जो पिक्चर सेंड की गई थी उसमें गोल्डन था तो मैंने यही लगाया। तो कितने प्यारा सा मेरा केक सिकल भी रेडी हो गया है, केक रेडी है। और ये सारा जो टॉपर्स बनाया था वो भी रेडी हो चुका है। सबसे पहले केक को हम इस गनाश से कवर करेंगे, उसके बाद हम सारे टॉपर्स को असेंबल करेंगे। और गनाश बना से कवर करते वक्त मेरा कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया, तो वो क्लिप मेरी मिस हो गई। अब नीचे मैंने पर्ल वाला बॉर्डर भी बना दिया था, क्योंकि इससे केक मुझे कंप्लीट लगता है, नीचे खाली छोड़ दो तो फिर अधूरा सा लगता है, तो कोई भी बॉर्डर मैं ज़रूर बना देती हूँ। तो ये हो गया, बॉर्डर को मैंने गोल्डन कर दिया था, सिर्फ बॉर्डर के पास मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा लुक आ जाता है केक का। अब मैंने यही वाला लस्टर डस्ट लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल मिलाया है, रिफाइंड ऑयल सिंपल जिसमें कोई स्मेल ना हो। उससे एक पेंट रेडी किया है, तो उसको पहले मैंने ब्रश से सोचा कि स्प्लैटर करूं, लेकिन ब्रश से हो नहीं पाया, तो फिर मैंने फिंगर की हेल्प से इसको इसके ऊपर स्प्लैटर किया। और ये मेरे डिज़ाइन में था नहीं, ये मेरा अपना है कि कुछ तो डिफरेंट करना होता है, एकदम एग्जैक्ट तो बना के नहीं दे सकते हैं। जब हम लोगों के हाथ में केक होता है तो बहुत सारी चीज़ दिमाग में आती है, और जो आती है वो तो मैं कर ही देती हूँ। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लुक लग रहा था, बिल्कुल सिंपल ऐसे भी छोड़ दीजिए तो केक बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जितनी गार्निशिंग बनाई थी वो तो लगाना था क्योंकि वो डिमांड था। अब ये सबसे पहले मैंने केक सिकल लगाया इसके ऊपर, फिर सारे चॉकलेट्स पर मैंने हल्का हल्का गोल्डन लस्टर डस्ट लगा दिया था, बहुत अच्छा लगता है और पिक्चर में भी ऐसे ही था। तो एक एक करके मैंने सारे डेकोरेशन को लगाया और बहुत ही अच्छा क्यूट सा केक लग रहा था। तो ये बड़ी वाली चॉकलेट को मैंने दो टुकड़े में तोड़ दिया था क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था, फिर छोटा छोटा चॉकलेट मैंने साइड में लगाया। तो जो जो चीज़ पिक्चर में थी मैंने सारे ही बनाया था, और कुछ तो एक्स्ट्रा ही बन गया था लेकिन कम कुछ भी नहीं था। तो बहुत अच्छा, अच्छी डेकोरेशन थी, पूरा चॉकलेट ओवरलोडेड था। तो इसके साथ ही मेरे पास डोनट का भी ऑर्डर था, तो मैं उसे भी आपको दिखाऊंगी अभी। बहुत ही अच्छा डोनट बनता है, अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए
तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं ज़रूर आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अभी एक ओरियो बिस्किट भी लगानी थी, तो उस पर भी मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट लगा दिया है और उसको भी प्लेस कर दिया है। मतलब इतना चॉकलेट था कि जगह नहीं मिल रही थी, मैं कहाँ पे और लगाऊं, लेकिन मैंने सबको सेट कर दिया, नाम भी लिख दिया और बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा मेरा केक रेडी हो गया। अब ये एक्रेलिक का प्यारा सा टॉपर था मेरे पास बर्थडे का, वो भी लगा दिया है। तो बच्चे का केक था, छोटे बच्चे का, तो उसके लिए ये वाला टॉपर लगाया है, बहुत क्यूट लगता है देखने में। तो लग रहा है ना मेरा केक बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और इस केक के साथ मैंने ये डोनट भी बनाया है, ये सारा स्क्रैच से बना हुआ डोनट है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ मेरे ऑर्डर का है, कुछ मैंने घर के लिए बनाया है, तो मैं उसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना अच्छा डोनट बना है। बहुत अच्छी रेसिपी है, अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मैं अपलोड करूँगी। तो ये प्यारा सा चॉकलेट केक प्यारी सी डेकोरेशन के साथ रेडी है। आप लोगों को मेरी ये वाली डेकोरेशन कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। और हाँ, मेरी वीडियो को पूरी वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह की कोई अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी डेकोरेशन के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।